निवेदिता। 2019 अक्षय कुमार के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। साल के 9 महीनों में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई हैं और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं। लेकिन हाउसफुल 4 ने तो अक्षय कुमार के करियर में 4 चांद लगा दिए हैं। दरअसल 3 हफ्तों में ही ये फिल्म अक्षय के करियर की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। बता दें कि खिलाड़ी कुमार की हाउसफुल ने अब तक 205 करोड़ 18 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यही वजह है कि हाउसफुल 4 अब अक्षय कुमार के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मिशन मंगल के नाम था, जिसने 200 करोड़ 16 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। बता दें इस बात की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट जोगिंदर टुटेजा ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि Houseful 4 becomes Akshay Kumar's highest grosser, surpassing the lifetime earnings of Mission Mangal. Friday 1.95 crores, Saturday 2.80 crores, Sunday 4.35 crores, Monday 1.75 crores, Tuesday 2.20 crores, Wednesday 1.20 crores, Thursday 1.20 crores, total 205.18 crores. बता दें कि हाउसफुल 4 दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 141 करोड़ 31 लाख रुपए जमा किए थे, जबकि दूसरे हफ्ते में 48 करोड़ 42 लाख रुपए बटोरे थे। हाउसफुल 4 को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आई हैं। बता दें कि खिलाड़ी कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 को क्रिटिक्स ने बेहद ही खराब रिव्यूज दिए थे, लेकिन खराब रिव्यूज के बाद भी इस फिल्म ने न सिर्फ 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया, बल्कि ये उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। एक तरह से देखा जाए तो खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड के तीनों खान्स को भी मात दे डाली है। दरअसल साल 2018 सलमान खान की रेस 3, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी। इन तीनों ही फिल्मों को भी हाउसफुल 4 की तरह ही क्रिटिक्स ने नकार दिया था, जिसका असर इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी देखने को मिला था। तीनों में से कोई भी फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन अक्षय कुमार ने हाउसफुल 4 के जरिए ये कारनामा कर दिखाया। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय ने तीनों खान्स को बॉक्स ऑफिस पर ठेंगा दिखा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में भी अक्षय इस तरह सलमान, आमिर और शाहरुख को कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।